नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। हॉस्पिटल, वो जगह जहां एक बालक जन्म लेकर दुनिया में अपने पहले कदम रखता है, एक ऐसी जगह जहां इंसान को नई जिंदगी मिलती है, और वो जगह जहां हर दिन न जाने कितने लोग अपनों के ठीक होने की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। उसी जगह पर बीते 8 अगस्त को वो हुआ जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में गुरुवार की रात एक जूनियर लेडी डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया और इसके बाद बेरहमी के साथ उसका कत्ल कर दिया गया। इस विभत्स वारदात को अंजाम दिया संजय रॉय नाम के एक दरिंदे ने। संजय पुलिस में सिविल वॉलंटियर के तौर पर काम करता है। पुलिस विभाग से जुड़ा होने की वजह से हॉस्पिटल में बिना रोक टोक उसका आना जाना था और इसी सहूलियत का फायदा उठाकर उसने जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी की। संजय को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इस केस को लेकर कई सवाल ऐसे हैं जिनसे ये पूरी कहानी उलझी है। मंगलवार को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई और उम्मीद जताई जा रही है कि अब इन सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। पहला सवाल, कोलकाता रेप केस में एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। वायरल ऑडियो क्लिप में एक इंटर्न की एक पोस्ट ग्रेजुएट छात्र से बातचीत है। इस बातचीत में दावा किया जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर की हत्या में राजनीतिक रसूख वाले एक दूसरे इंटर्न स्टूडेंट का कनेक्शन है। साथ ही इस क्लिप में कहा जा रहा है कि कुछ हॉस्पिटल के अधिकारी इस मामले को दबाने की कोशिश में हैं। हालांकि इस वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हो पाई है। दूसरा सवाल, टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक जूनियर डॉक्टर की गर्दन, बाएं पैर, टखने और दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में चोटें बताई गई हैं। हालांकि चोटों की गंभीरता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। पुलिस ने इस बात का जवाब देने से भी इनकार कर दिया कि क्या महिला की कॉलर बोन या पेल्विक बोन टूटी हुई है। महिला को चोटें आखिर किस वजह से आई, ये एक बड़ा और गहरा सवाल है। तीसरा सवाल, एक महिला डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल के अंदर बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। इतनी विभत्स घटना हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल के भीतर हुई। हैरानी की बात है कि नर्सिंग स्टेशन भी वहीं पास में था, फिर किसी को कुछ पता क्यों नहीं चला। ऐसी बड़ी घटना अस्पताल में कैसे हो गई और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी, ऐसा कैसे हो सकता है, यह एक बड़ा सवाल है। चौथा सवाल, जूनियर लेडी डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल के अंदर हुई इस घिनौनी वारदात में एक सवाल और उठता है कि क्या उसे बेहोश किया गया था या फिर उसके मुंह को रुमाल या किसी और चीज़ से बंद किया गया था। पांचवा सवाल, पुलिस ने इस मामले में आरोपी सिविल वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या संजय ने अकेले इस वारदात को अंजाम दिया? क्या एक अकेले आदमी के लिए इतनी क्रूरता करना संभव है? इस बात को कैसे माना जाए कि कोई दूसरा या तीसरा शख्स इसमें शामिल नहीं था? छठा सवाल, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि संजय रॉय इस घटना से पहले भी शराब के नशे में हॉस्पिटल के अंदर कुछ डॉक्टरों के साथ कई बार बदसलूकी कर चुका था। अगर ये सच है तो फिर हॉस्पिटल प्रशासन ने उसके आने जाने पर रोक क्यों नहीं लगाई? क्या उन मामलों को लेकर संजय रॉय के खिलाफ कभी कोई शिकायत भी दर्ज कराई गई थी? और सातवां अहम सवाल, कोलकाता के कालीघाट पुलिस स्टेशन में 2 साल पहले संजय रॉय के खिलाफ उसी की गर्भवती पत्नी की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत में उसके ऊपर 3 महीने की गर्भवती पत्नी से मारपीट का आरोप था। अब सवाल उठ रहे हैं कि इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि आरोपी का पहले भी कोई आपराधिक इतिहास रहा है या नहीं? फिलहाल के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।